दिव्या सामने
So good to see you. So glad. Tell us, how important are the film festivals? And something like. I'm so sorry. My name is Sunika. I'm GM Media Communication for NFDC. Can we do this after 5 minutes? Minister is just coming. Okay, fine. I'll call you. I'll come back. Yeah. Thank you.
Mumbai International. I request all the dignitaries and witness. Good to see you. क्या उम्मीद क्या कहना चाहेंगी मुंबई फिल्म फेस्टिवल जो इतना इम्पोर्टेंट है आर्टिस्ट के लिए इंडस्ट्री के लिए कितना इम्पोर्टेंट और क्या कहना चाहेंगी शुरुआत हो रही है आठवां साल जी थैंक यू सो मच एवरीवन हियर सो बहुत इम्पोर्टेंट है बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं और ये मुंबई फिल्म फेस्टिवल है जहाँ पे आप बहुत सारी अच्छी इंटरनेशनल फिल्म्स भी देखते हैं तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी फिल्म्स हैं आई गेस श्रीकांत भी नॉमिनेटेड है तो आई एम वेरी वांट टू वॉच दैट श्रीकांत क्या इंडस्ट्री बदली है जब हम ओटीटी की बात कर रहे हैं नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं लोगों को और ज़्यादा काम मिल रहा है बिल्कुल इंडस्ट्री बदली है और वाइड रेंज हो चुका है ओटीटी आज की रेट में बहुत अच्छा काम कर रही है और कंटेंट बहुत अच्छे हैं ओटीटी पे फिल्म तो फिल्म ही है बट ओटीटी इज़ लाइक वाइड रेंज यू हैव अ वेरी ऑप्शन सो आपको समझ में आया होगा आप जो कमांड देंगे वो AI करेगा बट AI वही करेगा जो हम बोलेंगे एग्जैक्टली सो टेक्नोलॉजी चेंज होता है उससे इंडस्ट्री का बहुत सारा पैटर्न चेंज नहीं होता बिकॉज वी आर बेसिकली शो द ह्यूमन इमोशंस ऑन स्क्रीन तो AI और फिल्म का बहुत डिफरेंस है डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं क्योंकि इंडस्ट्री चेंज हुआ है ऑडियंस चेंज हुआ है लोग चेंज हुए हैं स्टोरी चेंज हुई है अब जो कंटेंट आते हैं वो रिलेट करते हैं लोगों को राइट पहले जो कंटेंट थे वो लार्जर देन लाइफ थे और आज की डेट में जितनी भी कंटेंट है वो लोगों को बहुत पसंद आती है क्योंकि वो अपने आप से रिलेट कर पाते हैं कंटेंट है स्टोरी है एक्शन फिल्म्स है सारी एक्शन को सर वो कहते हैं कि लार्जर देन लाइफ ही होती है बट जैसे अभी मिर्ज़ापुर की बात करें या अभी पंचायत की बात करें वी लव टू वॉच दैट फिल्म सीरीज एक्चुअली सो दैट्स इट थैंक यू सो मच वाइट कर रहे हैं आप जल्दी जल्दी फुल वाइट कर रहे हैं चालू कर दीजिए सर महेश माइक चालू सर हाउ आर यू वेरी गुड आप कैसे ऑल गुड वेट 2 मिनट्स सर 2 मिनट्स Yeah.
बोले अच्छा दसी दसी सोलो हाँ थैंक यू फिल्म फेस्टिवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस टू लर्न इंटरैक्ट एंड गेट इंस्पायर्ड बाय फिल्म्स ऑफ द जॉनरा दैट यू आर इंटरेस्टेड इन फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड एंड मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इज डेफिनेटली राइट अप देयर विद अदर फेस्टिवल्स एंड इट इज इट्स 18th ईयर एंड इट्स ग्रोइंग तो बढ़ रहा है वो और दुनिया भर के लोग आ रहे हैं इनकी ज्यूरी बहुत ही अच्छी रहती है हमेशा और हमारे हिंदुस्तानी पिक्चर को ही जो सनफ्लावर्स नो फर्स्ट और समथिंग ऐसे कुछ नाम था उसका जो फिल्म इंस्टीट्यूट के बच्चों ने बनाई है बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म थी कुछ जो स्पेशल लोग हैं जो खास लोग हैं जो जो बोल नहीं पाते उस तरह की इस बार स्क्रीन करा जा रहा है और स्टूडेंट उस तरह के स्टूडेंट को भी स्क्रीन करा जा रहा है जी 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 उनके काम को स्क्रीन करने वाले हैं जी जी नहीं शुरू देखिए आपका अगर कोई आपको हैंडीकैप बोलता है वो तो हैंडीकैप दूसरों के दिमाग में ज़्यादा होता है और जो बिल्कुल ही तंदुरुस्त लोग होते हैं वो ज़्यादा हैंडीकैप्ड होते हैं मेरे मामले में मेरे मानने से कई चीज़ों में तो बहुत खुश है सबका इंक्लूसिव वो होना चाहिए और जो विजुअली इम्पेयर्ड और फोनेटिक साउंड इम्पेयर्ड जो होते हैं उनको भी इस सब चीज़ों का मनोरंजन लेना और इसको बनाना में योगदान करना बहुत ही सबके लिए इंक्लूसिविटी का काम है आई एम जस्ट बास्किंग इन द सनलाइट ऑफ द बायोपिक ऑफ सावरकर एंड आई होप आई गेट टू डू मोर इंटरेस्टिंग स्टफ सून राइट नाउ इट्स जस्ट dealing with the postnatal effects of making a movie as a director. Thank you.